आज मैं आपको इंग्लिश की बुक का पेज नंबर 30 यूज ऑफ ए और एन सिखाऊंगी कि क्या होता है ए का यूज और एन का यूज। ठीक है, इधर जैसे मैं कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, उनमें कुछ पिक्चर्स में ए का यूज़ कर रखा है पहले और कुछ में एन का। तो मैं आपको सिखाऊंगी कि किस वर्ड से पहले ए आता है और किस वर्ड से पहले एन आता है। ठीक है, तो चलो सीखते हैं यूज ऑफ ए और एन। पेज नंबर 31 देखो, इसमें हमें ऊपर टिक द करेक्ट वर्ड दे रखे हैं। हम ए का यूज़ कहाँ करते हैं और एन का यूज़ कहाँ करते हैं, इन्होंने यूज़ कैसे करा है वो हमें देखना है, और जो सही है वो टिक कर देना है। ठीक है, तो चलो मैं बताती हूँ कि ए का यूज़ कहाँ करते हैं। बच्चों, ए का यूज़ हम उस वर्ड से पहले करते हैं जो वोवेल नहीं होता है, जैसे कि डब्लू, एक्स, वाई, जेड या कुछ भी वर्ड हो, वोवेल से हटकर कोई सी भी वर्ड हो उससे पहले हम ए लगाते हैं। वोवेल्स हमारे हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू हमारे वोवेल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे वोवेल्स। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं वोवेल्स। इनके अलावा जो भी ए बी सी डी में जो भी बचते हैं, अल्फ़ाबेट्स में जो भी बचते हैं वर्ड्स, ठीक है, वो हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। और वो हम लगाते हैं ए के बाद। ठीक है, मतलब जो वोवेल है उधर ही हम एन का यूज़ करेंगे, और जो वोवेल नहीं है, जो इनमें से नहीं है, उधर हम यूज़ करेंगे ए का। ठीक है, जैसे कि इधर लिखा है सी ओ डब्लू, काओ, तो पहला वर्ड क्या है? सी है। पहला वर्ड क्या है? सी। तो क्या सी हमारे वोवेल में है? ढूंढो। ए ई आई ओ यू, नहीं, सी हमारे वोवेल में नहीं आता है। तो इन्होंने क्या लगा रखा है? एन। और एन का यूज़ कहाँ करते हैं हम? वोवेल के साथ। तो ये क्या है? गलत है, इधर हम नहीं लगाएंगे टिक का निशान। दूसरी पिक्चर में हमें लिखा है ए डबल पी एल ई एप्पल, पहला वर्ड क्या है? ए। अब देखो ए क्या हमारे वोवेल में आता है? ए आता है, सबसे पहले ही क्या आता है? ए। तो जो हमारी वोवेल में आता है उसके आगे लगता है एन, तो इधर तो एन है, वोवेल के साथ एन है, तो सही है ये। ठीक है, तो हमने इसे टिक कर दिया। अब तीसरे में है एन रोज, रोज आर पहला वर्ड जो है वो क्या, वो हमारे वोवेल में आता है? ए ई आई ओ यू, नहीं आता ना, और वोवेल के साथ ही एन लगता है, इसके साथ तो एन लगेगा ही नहीं क्योंकि ये वोवेल नहीं है, तो ये टिक नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर है एन ट्रक, टी आर यू सी के, और पहला वर्ड है टी, क्या ये हमारे वोवेल में है? देखते हैं। ए ई आई ओ यू, नहीं है ये तो हमारे वोवेल में, और वोवेल के साथ ही एन लगता है, तो इसे भी हम टिक नहीं करेंगे। ठीक है, अब इधर है एन एग, ई डबल जी एग, अब पहला वर्ड है ई, क्या ई हमारे वोवेल में आता है? ए ई, हाँ आता है, और ई वोवेल के साथ ही तो एन लगाए हैं ना, तो ये क्या करेंगे हम इसे? टिक। वोवेल के साथ अगर एन लगा है ए एन एन, तो हम उसे टिक कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे इधर है ओ डब्ल्यू एल, आउल, उल्लू होता है इसका मतलब, तो ओ हमारे वोवेल में है, देखो ए ई आई ओ है, तो ये वोवेल के साथ एन है, तो इसे भी हम राइट करेंगे, टिक कर देंगे। ठीक है, अब इधर है एन आइसक्रीम, पहला वर्ड आई है ना, क्या आई हमारे वोवेल में आता है? ए ई आई, हाँ आता है, तो हम क्या करेंगे, इसे भी टिक कर देंगे। अब है एन लैम्प, एन लैम्प, एल पहला वर्ड, क्या हमारे वोवेल में एल है? ए ई आई ओ यू, नहीं है, और एन तो वोवेल के साथ ही लगता है, तो ये राइट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर है एन अम्ब्रेला,
डबल एल ए अम्ब्रेला। पहला वर्ड यू है, क्या यू हमारे वॉवल में है? ए ई आई ओ यू, अरे हाँ ये तो हमारे वॉवल में है, यू तो है और वॉवल के साथ ही एन लगता है, तो ये टिक कर देंगे। ठीक है, पहले वर्ड में क्या करा हमने, पहले क्वेश्चन में क्या सीखा कि जो वॉवल होते हैं उनके साथ एन आता है। वॉवल्स कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। और जो वॉवल्स नहीं होते हैं उनके आगे आता है ए। ठीक है, जो वॉवल्स नहीं होते हैं उनके आगे आता है ए। अब दूसरे में हम, दूसरे क्वेश्चन में हम देखेंगे वर्ड को, पहले वर्ड को, और जो वॉवल हैं उनके आगे लगाएंगे ए, और जो वॉवल नहीं हैं उनके आगे लगाएंगे ए। मतलब जो वॉवल हैं उनके आगे एन, और जो वॉवल नहीं हैं उनके आगे ए। ठीक है, जैसे इधर है फर्स्ट में बलून, बी ए डबल एल डबल ओ एन बलून। पहला वर्ड है बी, क्या बी हमारे वॉवल में है? ए ई आई ओ यू, नहीं बी तो हमारे वॉवल में नहीं है, तो हम इधर क्या लिखेंगे? ए, क्योंकि जो वॉवल नहीं है वहाँ आएगा ए। फिश, पहला वर्ड एफ, क्या एफ हमारे वॉवल में है? ए ई आई ओ यू, नहीं है जी, तो हम इधर क्या लगाएंगे? दोबारा ए, क्योंकि जो वॉवल नहीं है वहाँ लगता है ए। अब देखो एरो, ए डबल आर ओ डब्लू एरो, पहला वर्ड है ए, क्या ए हमारे वॉवल में आता है? ए ई आई ओ यू, अरे हाँ ए तो आता है, तो हम इधर क्या लिखेंगे? एन, क्योंकि ए हमारे वॉवल में आता है। मैंने आपको बताया ना, जो वॉवल है उसके साथ लगेगा एन, जो वॉवल में नहीं आता है उसके साथ लगेगा ए। ठीक है, जैसे इधर लिखा है आयरन, पहला वर्ड आई है, क्या आई हमारे वॉवल में है? ए ई आई ओ यू, अरे ये रहा आई, तो आई हमारे वॉवल में है, मतलब तो वॉवल के साथ हमने लगा दिया एन। ठीक है, फिर है बॉय, बी ओ वाई बॉय, क्या बी हमारे वॉवल में आता है? देखो ए ई आई ओ यू, नहीं आता जी, तो हमने क्या लगाया इधर? ए, क्योंकि बी हमारे वॉवल में नहीं आता है, जो वॉवल में नहीं आता वहाँ लगता है ए। ठीक है, इधर है आई, ई वाई ई आई, क्या ई हमारे वॉवल में आता है? देखो ए ई आई ओ यू ई आता है भाई, तो इधर हम क्या लगाएंगे? बताओ बच्चों क्या लगेगा इधर? एन। ठीक है, इधर लगेगा एन, क्योंकि ई हमारे वॉवल में आता है। अब इधर है एच ओ आर सी एस ई होर्स, क्या एच हमारे वॉवल में आता है? देखो ए ई आई ओ यू, नहीं आता जी, तो इधर लगेगा ए। जो वॉवल में आता है उधर लगता है एन, और जो वॉवल में नहीं आता उधर लगता है ए। कैट, सी, पहला वर्ड सी, क्या हमारे वॉवल में सी है? ए ई आई ओ यू, नहीं है जी, तो इधर आएगा ए। मैंगो, एम, पहला वर्ड एम, क्या हमारे वॉवल में एम है? ए ई आई ओ यू, नहीं है जी, तो इधर आएगा ए, ये हमारे वॉवल में नहीं है क्योंकि। इग्लू, आई, पहला वर्ड आई, क्या हमारे वॉवल में आई है? ए ई आई, अरे हाँ आई है, तो एन आएगा। ठीक है, इधर है एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर फ्लावर, क्या हमारे फ्लावर में है? पहला वर्ड एफ, वॉवल में है क्या ये? ए ई आई ओ यू, नहीं है एफ, तो इधर क्या लिखेंगे? ए। अब है ओ आर ए एन जी ई ओरेंज, क्या हमारे वॉवल में पहला वर्ड ओ है? ओ वर्ड ए ई आई ओ, हाँ है, तो ये हमारा वॉवल है ना, तो हमने इसके साथ लगाया एन। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पिक्चर में हमने जो वॉवल्स थे, जो ए सही लगा है या एन सही लगा है, वहाँ पे हमने राइट लगाया है कि कहाँ कहाँ पे एन सही लगा है। ठीक है,
जहाँ वॉवल होता है वहीं हम एन लिखते हैं, तो जहाँ वॉवल है वहीं एन लिखा है, वहाँ पे हमने टिक कर दिया। और सेकंड में ए और एन, हमने देखना है पहला वर्ड, अगर पहला वर्ड वॉवल में आता है, वॉवल हमारे होते हैं ए ई आई ओ यू, अगर पहला वर्ड हमारे वॉवल में आता है तो हम लगाते हैं एन उसके पहले, अगर नहीं आता है तो लगाते हैं ए। ठीक है, जैसे मैंने आपको सिखाया है वैसे ही आपको बुक भरनी है, पेज नंबर 31। ठीक है बच्चों, जय हिंद बच्चों।